हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। और एंटरटेनमेंट तो आपको बड़े बड़े ट्विस्ट देने के लिए तैयार है भाई। होगा क्यों नहीं, क्योंकि टीआरपी जब गिरेगी तो ट्विस्ट तो आएंगे ही आएंगे। और भाई, अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार ना जाने कितनी मेहनत करते हैं, बट स्टोरी तो वही दिल तक पहुंचती है जो सबसे हटकर होती है। लेकिन आजकल तो हर टीवी शो की स्टोरी मुझे एक जैसी ही नज़र आती है। तो चलिए, जो सा चैनल खोलोगे चेहरे अलग होंगे, चैनल अलग होगा, टाइमिंग अलग होगी, पर स्टोरी सेम होगी। तो चलिए, मैं बताने वाली हूँ इस हफ्ते वो 10 शो कौन से हैं जो कि टीआरपी में मचाएंगे भूचाल। भाई, इतना गारंटी दे सकते हैं कि उनकी टीआरपी ठीक होगी, गिरेगी या नहीं वो हम आपको बातों बातों में बताने वाले हैं। नंबर वन की पोजीशन पे है आपका अनुपमा, और नंबर वन पर ही रहने वाला है। बिहार से हो तो भैया सबसे पहले अनुपमा का नाम रख दीजिए। अब बात आती है नंबर टू की पोजीशन पर है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस हफ्ते कहीं तारक मेहता स्लॉट किंग ना बन जाए। नंबर थ्री की पोजीशन पर है गुम है किसी के प्यार में। भैया गुम चाहे बोर कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन नंबर टू की पोजीशन ना छोड़े। फिलहाल तो यहाँ पे नंबर थ्री पर है। अगर बात करें, फिलहाल इसका प्रोमो आया है होली का। यार, भांग पी के होली खेलने का मज़ा ही अलग होता होगा। चलिए, इस बार भांग पी के ही जो है होली खेलते हैं, तो जो है देखते हैं क्या क्या करते हैं हम। और नंबर फोर की पोजीशन पे है आपका प्यारा सा श्रीमद रामायण। इस बार रामायण की टीआरपी 0.8 जो है वो के आएगी। भैया जो है सूप नखा नज़र आ गई, हनुमान जी नज़र आ गए, रावण नज़र आ गया, तो टीआरपी तो बढ़ना बनता है यार। फिर आता है नंबर फाइव की पोजीशन पे आपका कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य के सबसे टीआरपी बढ़ने वाली है भाई, क्योंकि कुंडली की स्टोरी काफ़ी अच्छी चल रही है। फिर आते हैं आपके नंबर सिक्स की पोजीशन पे है आपका भाग्य लक्ष्मी। भाई, भाग्य लक्ष्मी की स्टोरी मुझे पसंद नहीं आ रही है। हो सकता है कि उनके चाहने वालों को बहुत पसंद आ रही हो। एक क्रेज़ में है कि लक्ष्मी और ऋषि दोनों करीब कब आएंगे, दोनों का फेस ऑफ कब होगा। भाई हो जाएगा, एकता का शो है, इसी जन्म में हो जाएगा। अब ये पता नहीं कि आप अपने पोता पोती को गोदी में लेके बैठे हुए रहेंगे जब होगा, या फिर आप जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे। कुछ भी हो सकता है, ये एकता के शो है। फिर आता है नंबर सेवन पर तेरी मेरी डोरिया। भैया, तेरी मेरी डोरिया की टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि अंगद की सर्जरी हो रही थी, पता है ना आपको। वो तो भाई साहिबा ने बचा लिया, वरना तो नया ही चेहरा मिल जाता। अच्छा है नया चेहरा मिल जाता, कोई कांड भी कर लेता तो पता थोड़ी चलता। बात करते हैं नंबर एट की पोजीशन पे है आपका उडारियन। भाई, उडारियन की टीआरपी 1.5 बता रहा है। अगर इतनी हो जाएगी ना, तो लीव के बाद का क्रेज अलग है। फिर आता है नंबर नाइन की पोजीशन पे ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये रिश्ता की पोजीशन बहुत ज़्यादा गिरी है भाई। वैसे अब जो शहजादा ये सब पे ड्रामा हुआ है, हो सकता है इससे रश पहुंच जाए, लेकिन फिलहाल पिछले हफ्ते की स्टोरी को फैंस ने बहुत बेकार बताया, और इसकी टीआरपी बीआरसी भी गिरेगी। हम जो है जो सिचुएशन देख रहे हैं, फिलहाल ये नंबर नाइन की पोजीशन पे है। और नंबर टेन की पोजीशन पे है आपका शिव शक्ति तप त्याग और तांडव। तो ऐसे में जो है भक्ति वाले शो जब टॉप 10 में एंट्री करते हैं, तो यकीनत है बीआरसी में ये टॉप 5 में एंट्री करेगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, इन टॉप 10 शो में से कोई टीआरपी नहीं बढ़ाएगा, या इनकी टीआरपी सेम रहेगी, या पक्का इसकी टीआरपी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, या इस शो की तो टीआरपी पक्का गिरेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।